Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. छब्बीस अप्रैल के दिन दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से ये जानकारी दी गई कि क्योंकि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही एलजी के पास भेजते हैं, लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसलिए ये प्रस्ताव नहीं आया और ये चुनाव नहीं हो सकता है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल ने बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं होने दिया। और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले किस तरह से सुरक्षा बल तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको रोक लिया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे आप देखिए अपने हाथों में इस अंदाज में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते समर्थक नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, ये देखिए ये एक्शन नजर आ रहा है। पुलिस जो है वो उन्हें यहाँ पर उतारने की कोशिश कर रही है। ये देखिए बैरिकेड पर जो समर्थक चढ़े हैं उन्हें उतारने की कोशिश है और जाहिर है कि यहाँ पर सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। समर्थक आम आदमी पार्टी दफ्तर से पैदल मार्च करते हुए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ गए और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के मेयर के उम्मीदवार हैं इस बार, क्योंकि ये पद इस बार एससी वर्ग के लिए सुरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार। ये बताइए कि क्या आप लोग आज मांग कर रहे हैं? देखिए ये पूरा देश जानता है 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होना था और दिल्ली को एक दलित मेयर मिलने जा रहा था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने भी परमिशन दे दी थी कि आप इलेक्शन कराओ, मगर ये भाजपा के जो हमारे एलजी साहब बैठे हैं इन्होंने जो निर्णय दिया वो दलित विरोधी निर्णय, इन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होगा। तो इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने आया आज आईटीओ मुख्यालय बीजेपी कार्यालय पर कि भाई ये क्यों नहीं चाहते दलित बने, इनकी मानसिकता है दलित को बनना ही नहीं देना चाहते। आप देखोगे चंडीगढ़ चुनाव में भी कुलदीप कुमार जो हमारे दलित समाज से आते थे किस तरह से उनके साथ धांधलीबाजी हुई, किस तरह से प्रेजेंडिंग ऑफिसर ने सारे वोट कैंसिल करके उनको नकारा उसको। और जो आप देखा राम मंदिर में देखा हमारे जो राष्ट्रपति महामी जो दलित समाज से आते हैं उनको भी इन्होंने इनवाइट नहीं किया। तो इनकी मानसिक एलजी दफ्तर ने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव नहीं भेजा क्योंकि वही भेजते हैं प्रस्ताव, इसलिए ये कहीं ना कहीं पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। देखिए आप मान जब हमारे पिछला जब मेयर चुनाव होना था जब हमारे प्रेजेंडिंग ऑफिसर हमारे केजरीवाल जी ने मुकेश गोयल जी को प्रेजेंडिंग ऑफिसर बनने के लिए उन्हें अप्लाई किया, मगर जब इन्होंने इनकी कोई नहीं मानी, अब ये कहते हैं कि अब मेयर बनने के लिए उनकी एडवाइजरी जरूरी है केजरीवाल जी की। तो इनकी साफ साफ दिखाते हैं ये संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं और इनकी जो तानाशाही चल रही है पूरा देश देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप उम्मीदवार को सुन रहे हैं, ये मेयर उम्मीदवार हैं और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, नारेबाजी चल रही है यहाँ पे, ये महिला कार्यकर्ता जो है नारेबाजी, ये देखिए यहाँ पे हिरासत में ले लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बसों में लेकर दिल्ली पुलिस अब जा रही है और यहाँ पे तमाम आपको आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करते हुए नजर जाएगी। तो पुलिस ने एक्शन लिया है, हिरासत में ले लिया है। पीछे आप तस्वीर देखिए यहाँ पे फोर्स तैनात की गई है और ये रास्ता देखिए बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को रोक लिया गया है और चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ पंकज जैन।